हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल जय हिंद। मेरा नाम है राजीव द्विवेदी। स्वागत है एक बार फिर से आपका नए और गर्मा गर्म वीडियो में, क्योंकि हम दिखाएंगे आज आपको सफारी, वो भी ब्रांड न्यू, और बड़ा मज़ा आने वाला है वीडियो देख के। खैर आपको पता चलेगा कि गाड़ी में क्या है, और ये वीडियो शायद मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश का पहले ही होगा जो सांग ये। इसका प्राइस तो रिवील नहीं कर पाऊंगा, बट सून मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट हाँ, ये फीचर्स वगैरह और जो गाड़ी है कंप्लीट वो ज़रूर देखेंगे आज। तो चलो पूरे फीचर्स के साथ में इसकी बात कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज़, अगर मुझसे कुछ बात करना है या मुझसे कुछ जानना है, क्योंकि हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं सेकंड हैंड कार से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, इंदौर से रिलेटेड, तो उसके लिए आप जो है मुझसे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, लिंक है इंस्टाग्राम की और यहाँ पर भी है, तो इसके थ्रू फॉलो कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। सो फिलहाल अगर बात करें तो सबसे पहले पीछे जो ब्रांडिंग आ जाती है सफारी की और टाटा का लोगो, भाई साहब रियर कैमरा भी आपको दिखाई देते हैं जो पार्किंग कैमरा या पार्किंग सेंसर वगैरह है ही। नीचे यहाँ पर सेंसर भी लगे हुए हैं, दो ही सेंसर है, लेकिन क्या फीचर्स है वो हम आगे बात करेंगे ही जब सेफ्टी के फीचर्स में आएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक जो है आपको बहुत सारी फॉग डिफ्यूज़र जो आता है वो भी है, और यहाँ पर बैक साइड में शार्क फिन देखने को मिल जाएगी बैक साइड से। और बाकी अगर ये बैक साइड की लाइट की बात करें तो ड्यूअल लाइन जो आती है, ट्वाइस लाइन्स बोलते हैं इसको, तो ये वाली है। और इसके साथ साथ ये अगर इस साइड से बैक साइड से हम आगे की साइड चलते हैं तो यहाँ पर 18 इंच के अलॉय मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक के साथ। और इसमें एक और फीचर है जो कि ABD और इसके अलावा EBD जो करके आता है और ABS वो भी है, ऑब्वियसली वो भी सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ से अगर बात करें तो हम कंप्लीट लुक देख लेते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा है इसका। और चलिए अब फ्रंट की बारी है, तो फ्रंट देखते हैं। खैर यहाँ पर अगर मिरर की बात करें तो मिरर भी आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक मिरर मिलता है, जो आपको ऑटोमेटिक फोल्डेबल जो मिरर्स रहते हैं वो रहते हैं सारी चीज़ें। फ्रंट में आ जाते हैं तो चलो फ्रंट में काफ़ी कुछ लुक अगर आप देखें तो आपको जो है हैरियर से मैच होता मिलेगा, बट खैर डिफ्रेंशिएशन तो है ही थोड़ा बहुत, जब भी तो इसको नाम दिया सफारी, अदरवाइज यही करके बेच सकते थे, खैर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये देखो ग्रिल जो है ना ये अलग ही टाइप की बनाई गई है। और LED की अगर बात करें फ्रंट की तो ड्यूअल जो है DRL लैम्प्स मिल जाते हैं इसमें आपको। और यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी लैम्प्स अलग अलग मिल जाते हैं। इसी के साथ नीचे अगर बात की जाए तो फॉग लैम्प मिल जाएगा आपको, और ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे से लुक की अगर बात करें तो कंप्लीट काफ़ी खूबसूरत सा लुक दे रही है, एग्रेसिव लुक आ रहा है इसका अगर बात की जाए तो। तो चलो ये हुई फ्रंट की बात, और ये टॉप में आपको जो है सनरूफ, खैर वो अंदर से दिखाएंगे हम आपको। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये है लुक ड्राइवर साइड का। और फाइनली अब चलो अंदर चल लेते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको फर्स्ट लुक देखकर। यहाँ पर सबसे पहले फीचर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 85 डिग्री जो है इसका गेट खुल रहा है, मतलब 90 तो नहीं है, 90 अल्ट्रोज में खुलता है, लेकिन इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो हमेशा की तरह मैं जब दिखाता हूँ पूरे के पूरे पावर विंडोज़ मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ये मिरर का एडजस्टमेंट जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, तो ये है सारी चीज़ें। अंदर चलते हैं तो पुश बटन स्टार्ट है, यानी कि आप समझ रहे हैं XZA+ है जी, बिल्कुल। तो ये वाला मॉडल है जो अभी दिखा रहा हूँ, इसमें 5 या 6 वेरिएंट आते हैं अलग अलग। XC जो है इसका लोवेस्ट वेरिएंट होता है, जिसमें अलॉय व्हील नहीं होते हैं, और अगर बात की जाए तो वो 7 सीटर रहती है, ये 6 सीटर है। बाकी कुछ फीचर्स स्पेशली है ना, मतलब फीचर्स तो ऑब्वियसली अगर ये XZ+ है तो डेफिनेटली आएंगे। इसमें पुश बटन स्टार्ट आ जाता है, स्टेयरिंग पे माउंटेड ऑल कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर जो आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर डिजिटली मिल जाएगा सारा कुछ। इसके अलावा अगर यहाँ पर जो है इंस्ट्रूमेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो काफ़ी बड़ी सी स्क्रीन मिलेगी। AC वगैरह तो आपको पता ही है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में AC है इसकी कंप्लीट। गियर शिफ्ट की बात करें तो डेफिनेटली ये जो है गाड़ी ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट के साथ में आती है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है जो मुझसे बोलते हैं कि ऑटोमेटिक दिखाओ। तो ये है ऑटो की गाड़ी। और यहाँ पर इसमें अगर बात करें तो JBL का साउंड सिस्टम आता है भाई साहब, और JBL में भी इसमें शायद मेरे हिसाब से 9 स्पीकर्स मिलते हैं, जिसमें से शायद 4 ट्विटर्स हैं अलग अलग डोर्स पे। खैर मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पर JBL का जो है एक ट्विटर दिख गया, नीचे आपको जो है ये स्पीकर दिख गया। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अलग अलग फीचर्स हैं। यहाँ पर एक जो वाटर होल्डर है, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगी अपना
मतलब कूलिंग सिस्टम है और आर्मरेस्ट जो होता है ये सारा कुछ है यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं TFT डिस्प्ले जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है, ये सिर्फ इसी वेरिएंट में आता है और XZ में और XZE प्लस में आता है, बाकी वाले में आपको पुश बटन नहीं मिलेगा, बाकी ये फीचर्स हो ही गए। तो चलो अब हम दिखाएंगे बैक साइड की सीट्स, लेकिन सीट से याद आया मुझे कि आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये जो सीट है ड्राइवर साइड की सीट, ये काफ़ी फीचर है इसमें, जो कि मैंने ऑडी में दिखाया था आपको ये वाला फीचर, जो सीट्स हैं वो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होंगी, तो ये हम आपको फीचर दिखाते हैं अभी। तो ये सीट वाला जो फीचर है मैंने आपको ऑडी में दिखाया था और ये ऑटोमेटिक, तो आप देख सकते हैं पूरा कि ये कंप्लीट, आपको इसको प्रेस करके रखना है, ये ऑटोमेटिकली आगे और पीछे, अभी फिलहाल पीछे जा रहा हूँ मैं, मुझे आगे से स्लाइड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और अगर बैक साइड की बात करो तो ये बैक साइड आगे, पहले मैं आगे लाता हूँ सीट को, उसके बाद बैक साइड की जो है ऑटोमेटिकली जो है ऊपर या नीचे होगी। तो ये फीचर मैंने ऑडी Q3 में दिखाया था जो 44 लाख की गाड़ी आती है। फिलहाल ये सफारी में भी मिलने वाला है, अब इसकी प्राइस का तो देखना पड़ेगा आपने को, अंदाजन खैर बता सकता हूँ। तो ये पीछे की सीट हो गई, तो ये है काफ़ी सारे फीचर्स। सीट के बात की जाए और सेफ्टी की, तो आपको इसमें मिल जाएगा 6 एयर बैग्स आते हैं, मतलब स्टार्टिंग में 2, विंडो साइड में 2 मिलते हैं, तो 6 ही हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है शायद वहां तक जाता है बैक साइड तक। तो ये सारा सीन है इसका। तो चलो अब बैक साइड की बात ही है, मतलब कि जो सेकंड रो है उसमें चेक कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स है। अब लेते हैं सेकंड रो का फीचर जो है, तो ये है सीट। सेकंड में भी जो है आपको चेयर टाइप की जो आती है, 2 तरह की सीट्स होती हैं, पीछे जो है बेंच टाइप की होती है हमेशा अक्सर गाड़ियों में, बट यहाँ पर मिलेगी आपको चेयर टाइप की। तो चेयर टाइप की भी है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, इसी के साथ साथ पीछे करने का भी फीचर है इसमें, तो ये आगे हो गया और ये पीछे, मतलब यार लग्जरी मतलब बरकरार है अभी भी सफारी की, क्योंकि 2012 से अगर बात की जाए 18-16 तक भाई साहब बादशाहत कायम थी इसकी इस शहर में, मतलब हर जगह ही, क्योंकि हर नेता और हर बिजनेसमैन यही यूज़ किया करते थे। सो ये जो इसका इंटीरियर की बात करें तो वाइट कलर का बहुत ही प्यारा इंटीरियर आता है, जो कि आपको ऑडी BMW इन गाड़ियों में ही देखने को मिलता है, यहाँ से भी है। ये अगर आपकी बात करें तो ऊपर टाइप का, ऊपर साइड का जो है एडजस्टमेंट है, और यहाँ पर ये सीट्स की पूरे फीचर्स हैं। अगर हम इसको सीट को आगे करें और दिखाऊं आपको बैक साइड, तो बैक साइड में भी यहाँ 2 सीट्स हैं जो कि फोल्डेबल हैं कम्प्लीटली, और ये कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएंगी। बात करें यहाँ, तो यहाँ पर आपको फीचर में मिलेगा USB जो केबल चार्जर है, चार्जर के अलावा बोतल होल्डर है, और यहाँ पर आपको जो है एक छोटा सा पॉकेट मिलेगा, ये पॉकेट आप मोबाइल वगैरह चार्जिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं। सेम वही साइड में मिलेगा। AC वेंट्स की बात करें तो 360 डिग्री AC वेंट रहता है, मतलब वहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर भी है जो इस साइड है, और इसी के अलावा आगे पीछे सभी जगह AC के वेंट्स लगे हुए हैं, ताकि जो है आपको कोई भी मतलब सफोगेशन टाइप का ना हो। यहाँ भी बॉटल होल्डर्स मिल जाएंगे और यहाँ भी सारी चीज़ें मिल जाएगी। सेकेंड रो की बात करें तो यहाँ पर AC के वेंट्स आते हैं, जिससे आपको जो है कूलिंग बरकरार है। ट्विटर की बात करी थी मैंने, तो JBL के ट्विटर सामने भी लगे हुए, यहाँ भी लगे हुए हैं। 4 ट्विटर आते हैं, 4 स्पीकर आते हैं, 1 सब वूफर आता है इस गाड़ी में कंप्लीट। तो ये है पूरी गाड़ी का फीचर, आई थिंक मैंने कंप्लीट किया है। और अगर इसकी बात की जाए बैक साइड में, यानी कि जो खुली, तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें अपने बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस काफ़ी सारा मिल जाता है। खैर चलो, ये है आपका JBL का जो लास्ट के वूफर्स होते हैं, यहाँ पर नीचे आपको जो मिल जाएगा सब वूफर, शायद यहीं कहीं होगा, आई डोंट नो, मतलब मुझे ढूंढना पड़ेगा फिलहाल तो। और ये AC के वेंट्स वगैरह अगर पीछे से नहीं दिखाया, तो पीछे से कुछ इस तरह का लुक है। और ये सीट जब फोल्ड करते हैं आप, तो शायद 900 लीटर्स के आसपास जो है ये बूट स्पेस बन जाता है, अदरवाइज 475 के आसपास जो बूट स्पेस इसका रहता है कम्प्लीट। तो ये करते हैं वापस से बंद, और कुछ सॉफ्ट क्लोज़र के साथ नहीं है शायद, ये वापस रिटर्न आ रहा है, तो इस तरह का कुछ, अदरवाइज सॉफ्ट क्लोज़र होता तो और अच्छा रहता। खैर डिपेंड करता है, प्राइस मैटर करती है इसकी। तो ये है कंप्लीट सफारी का टूर जो हमने आज फाइनली आपको दे ही दिया है। इस चैनल का हमारा पहला वीडियो है जो नया है, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं रूफ ग्रिल जो है वो भी अवेलेबल है। एक चीज़ आपको ज़रूर नहीं बताई अभी तक मैंने, वो ये होने वाली है कि यहाँ पर सनरूफ दिया हुआ है, जो कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, मतलब अभी दिखा देंगे एक बार आपको ओपन करके। यहाँ पर इसके कंट्रोल्स वगैरह हैं सारे के सारे, और ये लाइट वगैरह जो है जल ही रही हैं ऑलरेडी।
तो सनरूफ यहाँ पर कंप्लीट बंद होता हुआ दिख रहा है आपको, जो कि पैनारामिक सनरूफ होता है, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों को कवर करता है। और ये है कंप्लीट व्यू, अगर अंदर से दिखाया जाए तो कुछ अंदर से इस तरह दिखेगा, ये हुआ। तो चलिए, सो एक जो बड़ी प्रॉब्लम मुझे समझ आ रही है, खैर ज़्यादा प्रॉब्लम तो मैंने देखी नहीं क्योंकि चला के देखी नहीं अभी, और जो बड़ी प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है कि मेरा सर जो है फ्रंट में बैठने के बाद टकरा रहा है, मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरी हाइट ऑब्वियसली 5'11" के आसपास है, 5'10" 11" जो भी है, मैंने कभी ऐसा मेज़र नहीं किया, बट अगर मुझसे लंबा इंसान हुआ और फ्रंट में बैठा तो शायद उसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे ये लगा है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, अच्छी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, क्योंकि अब जब तक रोड पे नहीं चलेगी, किसी ऑनर का रिव्यू नहीं लेंगे, तब तक तो बुरी चीज़ें बोल नहीं सकते। तो खैर ये है पूरा रिव्यू सिस्टम अगर आप जानना चाहें तो। फाइनली ये था टूर सफारी का, कंप्लीट न्यू सफारी जो 2021 की सफारी है, और आई होप कि अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो, मतलब समझ में आई होगी जानकारी जो हमने अंदर से दिखाई बाहर से दिखाई वो सारी चीज़ें। खैर बहुत सारे फीचर्स दिखाना बाकी हैं, बट अभी रिवील नहीं हुई, मतलब ना ऑफिशियल प्राइस हुई, मतलब सांगी मोटर्स ने अभी लॉन्च नहीं की अपनी प्राइस वगैरह रिवील नहीं किए, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें अभी हैं, तो प्राइस मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखी हुई मिल जाएगी, तो वहाँ पर ज़रूर चेक कर लें आप। सब्सक्राइब कर लो, एक चीज़ हमेशा आप नहीं करते हो वो है बेल आइकन प्रेस कर लो, सब्सक्राइब बटन के बाजू में ही है, क्योंकि उसके थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। अभी मेरे को कमेंट करके बोलते हो भाई ट्रैक्टर की वीडियो बना, भाई इसके बना, भाई उसके बना, तो वो चैनल पर ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, बट आप देखो। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज राजीव द्विवेदी साइनिंग ऑफ, टिल देन नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और अपने काम में व्यस्त रहो।